जब हम सारे 5 या 6 साल के होते हैं तो हम सारे ऐसे होते हैं, मम्मी आई लव यू, आपके बिना नहीं रह सकता मैं, मम्मी यू आर द बेस्ट। एंड जब हम 10 11 साल के हो जाते हैं तो हम ऐसे, मम्मी ठीक है, अच्छा मम्मी, ओके मम्मी। एंड जब हम 16 17 या 18 साल के हो जाते हैं, हम एडल्ट या टीनेजर्स वाली एज में आ जाते हैं, तो उस टाइम हम ऐसे हो जाते हैं, मम्मी आप बहुत ज़्यादा एनोइंग हो, मम्मी मत करो ना तंग, मम्मी क्यों इरिटेट कर रहे हो, क्या हो गया मम्मी। एंड जब हम उसके 22 या 23 साल तक आ जाते हैं, हम अडल्ट हो जाते हैं, तो उस टाइम हम ऐसे हो जाते हैं, मैं जा रहा हूँ मम्मी, देख लेंगे बाद में, हो गया, मैं नहीं कर रहा, जा रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। एंड जब हम 28 या 30 तक के आ जाते हैं, उस टाइम हम अपना घर बसा लेते हैं, बीवी होती है हमारे, या तो कुछ लोगों के बच्चे भी होते हैं, तो उस टाइम सारे ऐसे होते हैं, मुझे मेरी मम्मी आप एकदम सही बोलते थे, बिल्कुल सही कहते थे, आपकी एक एक लाइन एक एक वर्ड हर चीज़ एकदम सही है। एंड जब हम 35 या 40 के बीच में आ जाते हैं, तो उस टाइम हम अपने भाग दौड़ में लगे होते हैं, कभी इधर कभी उधर, तो उस टाइम हम ऐसे होते हैं, मुझे मेरी माँ के पास जाना है, मुझे बैठना है उनके पास, मुझे उनसे बातें करनी है। फिर जब हम 45 50 की एज में आ जाते हैं, उस टाइम उनके जाने का समय हो जाता है, तो हम ऐसे होते हैं, कुछ भी कर लो, किसी भी डॉक्टर, किसी भी कंट्री या कहीं भी ले चलो, बट इन्हें बचा लो, मैं अपने सारे पैसे लगाने को तैयार हूं, बट इन्हें बचा लो, कुछ भी कर लो। तो ज्यादातर टाइम कहाँ हमने वो स्पेंड करा, हो गया मम्मी ठीक है, हो जाएगा, कर लेंगे, मतलब बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड लेने लग गए थे अपने माँ। एंड आपको जिन्होंने 9 महीने अपने घर में रखा, साइंस कहती है कि जो सबसे ज्यादा पेन होता है वो कब होता है, जब एक माँ अपने बेबी को डिलीवर कर रही होती है तब उसको पेन होता है, उतना दर्द होता है जितना 15 हड्डियों के एक साथ टूटने में एक इंसान को होता है, उससे कहीं ज्यादा दर्द एक माँ को होता है। तो सबसे पहले तो जब आप आए, 9 महीने तो उनके घर में रहे, तब उनकी नींद हरा, फिर 9 महीने के बाद जब आप आए, तो पहले 3 4 साल तो आप सुसु पॉटी उल्टियाँ करते रहे, वो संभालते रहे, रात को सोते नहीं, तब उनकी रातों की नींद हरा। फिर आप थोड़े बड़े हुए, स्कूल जाने लग गए, तो स्कूल जाने से पहले सुबह उठे, नहलाना, खाना खिलाना, तैयार करना, फिर तुम्हें स्कूल भेजना, ठीक है, फिर तो अपना घर का सारा संभालना, घर का होमवर्क करना, अपनी जॉब वगैरह देखना, फिर तुम वापस आते हो, मम्मी मम्मी मुझे होमवर्क मिला, फिर तुम्हारा होमवर्क कराना, तो मतलब वो सारा टाइम तुम पे ही लगता गया। आप जितने मर्जी बड़े हो जाओ, चाहे आप 6 साल के हो, चाहे आप 10 17 20 25 40 70 या 100 साल के हो जाओ, एक मम्मी का या एक माँ का प्यार कभी कम नहीं होता, उतना ही रहता है जितना पहले दिन आप आए थे संसार में, उतना जितना आपका आखिरी दिन है उतना ही सेम ही रहेगा। और हम बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। एंड इन दिनों में जैसे एक मदर्स डे है, तो इस टाइम पे हमारे अंदर ना अलग ही फीलिंग आ जाती है कि आज हम अपनी मम्मी को गिफ्ट देंगे, ये करेंगे, उनको घड़ी देंगे, परफ्यूम देंगे। अरे नीची है तेरी घड़ी, रख तो अपनी घड़ी और परफ्यूम अपने पास, उन्हें चाहिए क्या, तू कुछ नहीं दे सकता उन्हें, तू सोच जिन्होंने तुझे लाइफ दी है तू उन्हें क्या दे सकता है, तो एक ही चीज दे सकता है, तेरा समय, तो उनके पास बैठ, टाइम स्पेंड कर। पर टाइम तो कहाँ स्पेंड कर रहा है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, फर्जी दोस्तों में, गेडियो मारनों में, पबजी, अपना टिकटॉक, ये सब चीजों में अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, वो नहीं कर, उनके साथ बैठ, बातें कर, ठीक है। तो हम क्या दे सकते हैं, सबसे पहली चीज हम उन्हें सर्व करें, सेवा करो अपने माँ बाप की। हम 3 चीजें कर सकते हैं अपने पेरेंट्स के लिए, अप्रिशिएट, रेसिप्रोकेट, एंड उसके बाद सर्व। अप्रिशिएट करो उन्हें कि उन्होंने जो जो तुम्हारे लिए किया, तुम्हारे अपने लिए, अपनी अपनी लाइफ की, अपनी लाइफ में जो तुम्हारे लिए उन्होंने किया। एंड रेसिप्रोकेट, जो उन्होंने किया वही तुम उनके लिए करो अब, ठीक है। एंड सर्व, एक पूरा उनकी सेवा करो अच्छे से, टाइम स्पेंड करो, उनकी तकलीफ पे जानो, उनको क्या क्या चाहिए, कैसी चाहिए, वो सब देखो, ठीक है।